A very good morning. My name is Ankita Ahuja. I am a student of Prestige Institute of Management and Research Department of Law, Indore. I am a law student pursuing BBA LLB from this institute. I am Internet Era. As an intern of Era, this is my fourth task, and this is to discuss any recent amendment. The recent amendment which I have came through is the Essential Amendment Bill 2020. I have started with this bill. ये आवश्यक वस्तु अधिनियम है 1955 का, और जो अभी आया है वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 का. तो हम दोनों में एक डिफरेंस देखेंगे. तो ये सब जानने से पहले हम देखेंगे कि एक जो बिल है वो कानून कैसे बनता है. तो ये जो है ये एक बिल है, उसके बाद ये जाता है संसद भवन में. ये हमारे भारत का संसद भवन है. संसद भवन दो होते हैं, एक लोकसभा जहाँ पे हमारे सांसद जी बैठते हैं, और एक होता है राज्यसभा जहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते हैं. जब ये दोनों हाउस से पास हो जाता है तो फिर ये जाता है प्रेसिडेंट जी के पास. हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी. अब रामनाथ कोविंद जी इसको साइन करते हैं तो ये एक कानून बन जाता है. अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान सेवरल लेजिस्लेशंस वर पास्ड बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर. ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला सीतारमन. तो रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये बिल पास किया गया था. बेसिकली 3 ऑर्डिनेंसेस वर पास्ड अंडर द रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर. वन ऑफ देम इज़ द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल ऑफ 2020. सो हम आज बात करेंगे इसकी. तो इस जब भी कोई कानून बनता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मिनिस्ट्री होती है जो कि उसको इम्प्लीमेंट करती है. तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोक्ता मामले खाद्य और मूल्य वितरण मंत्रालय. अब एसेंशियल कमोडिटीज़ क्या होती हैं? एसेंशियल कमोडिटीज़ में फूड आइटम्स आते हैं, मेडिसिंस आती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं, और उसके बाद अभी COVID-19 की वजह से मास्क और सैनिटाइज़र भी एड ऑन किया गया है. अब 1955 का जो एक्ट था वो क्यों लेके आए थे? वो इसलिए लेके आए थे क्योंकि उस समय हमारा जो प्रोडक्शन था, जो हम उगाते थे, हमारी उपज इतनी नहीं थी कि हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को फीड कर सके, मतलब उनको खिला सके. तो हम बाहर से आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे, तो इसलिए ये आया था. फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो थी वो कुछ चीज़ों को एसेंशियल मतलब आवश्यक वस्तु डिक्लेयर कर देती थी, और फिर जब वो डिक्लेयर करती थी तो उसका प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई और जो उसकी स्टॉक लिमिट थी वो सब गवर्नमेंट खुद कंट्रोल कर सकती थी, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं, ताकि जो उपभोक्ता हैं उनको सही प्राइस मिल सके. अब क्या क्या चेंजेस आए हैं, मतलब क्या क्या संशोधन हुआ है? तो जो सेक्शन 3 था उसमें इंसर्ट किया गया है 1A, जिसमें ये बोला गया है कि जो पहले गवर्नमेंट के पास पूरा पावर था कभी भी कंट्रोल करने का प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन और स्टॉक लिमिट, अब वो लिमिट किया गया है कि वो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में, जैसे कि वार हो गया, नेचुरल क्लेमिटीज़ या फेमाइन हो गया, मतलब लड़ाई, भुखमरी और प्राकृतिक आपदा के समय ही गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर सकती. दूसरी बात ये आई कि प्राइस ट्रिगर हुआ, रिटेल प्राइस ट्रिगर हुआ तब 100% इन हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर मतलब होता है बागबानी. अगर बागबानी के प्रोडक्ट्स 100% इंक्रीज हो, मतलब जैसे अगर 50 रुपये की चीज़ें आपको 100 रुपये में मिल रही है, तब गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा. और दूसरा नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड, मतलब जो कि जो ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं हैं, अगर उसमें 50% तक का इंक्रीज़ होता है, जैसे अगर 50 रुपये की चीज़ 75 रुपये में मिल रही है, तो तब भी गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाएगा. उसके बाद अब ये चेंजेस क्यों चाहिए हमको? क्योंकि जब हमारा वो 1955 वाला आया था तब हमारी जो प्रोडक्शन लेवल थी बहुत ही कम थी. अब तो वो हमारी इंक्रीज़ हो गई है और अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, मतलब हमारे इंडिया में इतना प्रोडक्शन हो रहा है कि हमारी खुद की जनता को हम खिला सकते हैं. दूसरी चीज़ की ये जो मंडियों का कॉन्सेप्ट था इसको कम करने के लिए आई थी, और जो प्राइवेट प्लेयर्स की वजह से फार्मर्स को बहुत लॉस हो रहा था उसकी वजह से ये आया है. APMC मतलब मंडी होती है, एग्रीकल्चर फूड मार्केट. पर पहले सिर्फ आप सिर्फ मंडी में बेच सकते थे, सिर्फ अपनी मंडी में बेच सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है, आप किसी भी मंडी में बेच सकते हैं. अब इससे हमें क्या लाभ होगा?
इससे हमें ये लाभ होगा कि जो फार्मर्स की इनकम थी वो इंक्रीज हो जाएगी, फार्मर्स जहाँ चाहे जैसे चाहे बेच सकते हैं। उसके बाद इससे काला बाजारी रुकेगी और होर्डिंग्स रुकेंगे। होर्डिंग्स मतलब कि जैसे अगर कोई भी इंसान कुछ भी चीज़ का अपने यहाँ स्टॉक करके रखता है और जब प्राइस बढ़ता है तब वो बेचता है, तो वो सब रुकेगा इससे। और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स था तो इनका तो प्ले पूरा ख़त्म किया गया है। थैंक यू।